गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा आठ में अपन ने प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी की अपन बात करनी थी और उनके सवाल अपन देखेंगे। प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी को याद करने की थी, मैंने कल सूत्र लिखवाए थे, उन सूत्रों के आधार पर अपने को ज्ञात करना है कि नई वैल्यू और पुरानी वैल्यू यानी प्रारंभिक मान और अंतिम मान का जो अंतर है, तुलना है, उसके आधार पर अपने को सवाल हल करना है। तो एक सवाल हल करते हैं। पिछले वर्ष एक स्कूटर का मूल्य 34,000 रुपये था। एक स्कूटर का मूल्य 34,000 रुपये था। एक शोरूम के अंदर 34,000 रुपये मूल्य का एक स्कूटर था। रुपये 34,000, तो 34,000 मूल्य का एक स्कूटर था। अब क्या कहा कि अब स्कूटर की जैसे जैसे मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है तो वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, तो वैसे स्कूटर का मूल्य भी बढ़ गया। और क्या कहा कि इस वर्ष, अब ये तो प्रारंभिक मान हो गया, इस वर्ष पहले था का मतलब प्रारंभिक मान, था का मतलब प्रारंभिक मान, और अब नया मूल्य है यह अंतिम मान कहलाएगा। लेकिन प्रश्न में कहता क्या है कि अब स्कूटर का मूल्य क्या हो गया, इस वर्ष उसके मूल्य में 20% की वृद्धि होगी, वृद्धि दर। तो वृद्धि कितने की होगी, 20%। तो वृद्धि दर 20%, तो 20% की क्या होगी, वृद्धि होगी। वृद्धि होने के बाद उस स्कूटर का नया मूल्य बताना है, तो उस स्कूटर का आपको नया मूल्य बताना है कि उस स्कूटर का नया मूल्य कितना है। तो एक काम करते हैं, प्रारंभिक जो भी वृद्धि दर होगी या कमी की जो दर होगी वो प्रारंभिक मान पर होगी। अब हमारे पास में प्रारंभिक मान ऑलरेडी प्रश्न क्या कर दे रखा है, 34,000 रुपये का। 34,000 का जो भी प्रारंभिक मान था उसका 20% निकाल देंगे, कितने रुपये बढ़े वो रुपए में उसका मान आ जाएगा। अब जितने बढ़े, तो प्रारंभिक मान में जितना मूल्य बढ़ गया वो बढ़ा हुआ मूल्य जोड़ दो, आपका नया मूल्य आ जाएगा। तो वृद्धि आपको रुपए में ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करोगे, सूत्र लिखवाया था प्रारंभिक मान गुणा वृद्धि दर बटा 100, ये सूत्र था। तो प्रारंभिक मान गुणा वृद्धि दर बटा 100, ये प्रारंभिक मान का सूत्र, ये वृद्धि रुपए में ज्ञात करने का तरीका है या वृद्धि का मान ज्ञात करने का तरीका है। तो प्रारंभिक मान दे रखा है 34,000, तो 34,000 गुणा वृद्धि दर कितनी है 20, तो 20 बटा 100। अब काटो साहब, 20 से 20 काट दिया, बच गया क्या 340 गुणा 20, तो 6,800 रुपये। 340 को 20 से गुणा करेंगे तो 6,800 को बनते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि उच्च स्कूटर का मूल्य पहले 34,000 था और 6,800 रुपये बढ़ गए। तो आज उच्च स्कूटर का मूल्य कितना है, आज उस स्कूटर का मूल्य कितना है, तो स्कूटर का आपको नया मूल्य बताना है, स्कूटर का नया मूल्य। तो नया मूल्य ज्ञात करने के लिए या नए मूल्य को अंतिम मान कहा जाता है, नए मूल्य को अंतिम मान। तो अंतिम मान ज्ञात करने के लिए क्या किया जाएगा, प्रारंभिक मान में जो भी वृद्धि होगी वो वृद्धि क्या कर देंगे, पर जोड़ देंगे। अगर कमी होती तो कमी क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो प्रारंभिक मान कितना था 34,000 रुपये, 34,000 वृद्धि कितने की हुई 6,800। तो अब उस स्कूटर का मूल्य कितना होगा, जो 40,800 रुपये, तो वो स्कूटर का मूल्य कितना हो गया 40,800। तो अब आज स्कूटर की जो नई जो कीमत है वो नई कीमत कितनी है 40,800। और कीमत बढ़ गई तो आपको जोड़ना है, कीमत यदि घटती है तो आपको क्या करना है, घटाना है।
अब ऐसा एक और सवाल देखते हैं वर्दी और कमी का। ऐसे ही कमी और वर्दी का एक सवाल और देखते हैं। एक ही वस्तु की कीमत, एक वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत 60,000 रुपये थी। एक वस्तु की कीमत 60,000 थी, उसके मूल्य में कमी हो गई और वस्तु की कीमत गिरने के कारण नई कीमत 54,000 है, 56,000 मान लो, 56,000 रुपये। अब ये तो इतना तो कन्फर्म है कि वस्तु की कीमत कम हो गई, कमी हो गई, तो आप कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वस्तु की कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए, वस्तु की कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो साहब, पहली बात कमी प्रतिशत ज्ञात करने का तरीका क्या था, मैंने सूत्र लिखाया था कमी प्रतिशत का। कमी प्रतिशत यदि ज्ञात करना हो तो कमी बटा प्रारंभिक मान गुणा 100, कमी बटा प्रारंभिक मान गुणा 100। अब कमी कितनी है ये तो अपने को ज्ञात करनी पड़ेगी, और कमी का भी मैंने सूत्र लिखवाया था क्या कि प्रारंभिक मान तो ज्यादा होगा क्योंकि प्रारंभिक मान से तो कम हो गई, तो प्रारंभिक मान माइनस अंतिम मान, प्रारंभिक मान माइनस अंतिम मान। अब देखो प्रारंभिक शुरुआत में कीमत कितनी थी 60,000, अब नई कीमत अंतिम कीमत कितनी हो गई 56,000 हो गई, तो प्रारंभिक कीमत थी 60,000 माइनस अंतिम कीमत कितनी हो गई 56,000, तो अब नई कीमत कितनी आ गई 4,000, तो नई कीमत 4,000 आ गई, ये 4,000 आपकी कमी कर रही है, 4,000 क्या कराएगी कमी, तो 4,000 रुपए की कमी बटा प्रारंभिक मान, प्रारंभिक मान का 60,000, तो प्रारंभिक मान 60,000 गुणा और 100 आपकी कमी प्रतिशत ज्ञात होकर के आ जाएगी। सही काटो इसको, 3 0 से 3 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई, 2 2 4, 2 3 6, अब 2 को 10 से गुणा करना है तो 2 को 10 से गुणा करके तो 20, 20 बटा इधर 3 है 3, तो कितने हो गए 3 6 18, 2 3 यानी कि 2 6 2/3 प्रतिशत की कमी हो गई। आप इसको मिशन करके 6.67 लिख सकते हैं, आप यदि बांट देंगे तो बांट देंगे तो 6.666 आता रहेगा, तो 5 5 ज्यादा अगर मान होता है दशमलव के बाद में तो बाद में एक की वृद्धि हो जाती है, बाद में क्या हो जाती है एक की वृद्धि हो जाती है। तो आप मिश्र बिंदु लिखना चाहो तो मिश्र बिंदु में भी लिख दो, आपको दशमलव में बांट देने की आवश्यकता नहीं है, उसको मिश्र बिंदु में लिख दो, और यह आपका दशमलव में लिखना चाहो तो आप उसको दशमलव में भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको कमी प्रतिशत और वृद्धि प्रतिशत अपने को ज्ञात करना है। अब देखिए आपका कल अपन जो बात करेंगे वो करेंगे बट्टा। कभी कभार दुकानदार से अपन सामान लाते, बड़ी दुकान से सामान लाते हैं, आपको व्यापारी कम मूल्य पर आपको वस्तु बेचता है, छूट भी देता है, कभी कभार कीमतों में वृद्धि भी हो जाती है, विक्रय कर भी देना पड़ता है, तो ये सारी बातों को पढ़ देखेंगे कल, और देखेंगे कि एक वस्तु की कीमत कैसे निर्धारित होती है
कैसे मार्केट में वस्तु बिकती है और कैसे उसका मान ज्ञात किया जाता है, विक्रय मूल्य का, क्रय मूल्य का, तो ये सारी बातें वो अपन कल देखेंगे। धन्यवाद।